राइटर को एक ये होता है, रंज रह जाता है कि मैंने जो लिखा था उससे थोड़ा कम हुआ। यंग राइटर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है काफ़ी जगहों पे, उनकी क्रेडिट इन्हों कोई और ले लेता है। जो ट्विटर ट्रोल्स है या फैन क्लब्स होते हैं उनको फिल्में कैसे बनती है उसका आइडिया नहीं होता। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्त्री टू का जो ये सक्सेस है कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? सेलिब्रेट तो एक सक्सेस पार्टी की है हमने, पर बाकी का सेलिब्रेशन है वो तो मोस्टली वही है, वैलिडेशन से जो खुशी मिलती है कि इंस्टाग्राम पे लोग पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्वीट्स कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं फिल्म को, बहुत लोग बहुत तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं। हर एज ग्रुप के लोगों को अलग अलग तरीके से पसंद आ रही है, यूथ को अलग तरीके से पसंद आ रही है, कुछ लोग उसको एक फेमिनिस्ट मूवमेंट के साथ भी जोड़ रहे हैं, तो उसमें जो सोशल मैसेज है उसको भी बहुत पसंद किया जा रहा है, और हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आ रही है। सिनेमा हॉल्स में तालियां बज रही है, सीटियां बज रही है, जो काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हो रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों से नो ज़्यादा खुशी मिल रही है। ये सेलिब्रेशन है हमारे लिए एक्चुअली। बिल्कुल, कि आपने फेमिनिज्म के बाद के मैं आपसे बोलना पूछना चाहूँगी ये कि क्या आपके दिमाग में ये था ये थॉट कि नहीं मुझे कुछ ऐसा लिखना लिखने के वक्त में कि यार जो कि एम्पावर भी करे वुमेन को, जो कि इस फिल्म में दिखाया भी गया है कि एक चोटी से चारों मैन उसके पीछे रहते हैं, चारों मैन उसके पीछे छुपे होते हैं, बचा रही होती है, तो ये आपके थॉट में भी आया था दिस इज काइंड ऑफ एम्पावरिंग वुमेन? ये आप देखिए तो पूरी जो फ्रेंचाइज है ना, पहले मैं आपको पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ कि हमारे पूरे यूनिवर्स में जो भी किरदार है ना, ये किसी न किसी सोशल थीम से जुड़े हुए कि भेड़िया जो है जंगल का रक्षक है, वो मतलब पूरा फॉरेस्ट को सेव कर रहा है, और स्त्री जो है वो एक फेमिनिन फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा कि उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए प्रेम और सम्मान, उसको प्रेम और सम्मान मिलता है, वो चली जाती है, और छोटी श्रद्धा कपूर वाले कैरेक्टर के पास, क्योंकि इसका नाम नहीं है उनका अभी तक मतलब है पर आप लोगों को पता नहीं है, तो उनके पास रह जाती है। तो वहाँ से हमने थ्रेड पकड़ा था कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए कि अब अगर उसके पास ये है तो उसको यूज़ करेगी, ऑब्वियसली उसमें पावर्स है, तो उस पावर को वो कैसे यूज़ करेगी, तो एक मैं वही सोच रहा था कि इसको कैसे यूज़ किया जाए ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से, जो कि विजुअल भी हो, क्योंकि ये पूरा विजुअल मीडियम है अपना। तो फिर मैं देख रहा था कि क्या किया जा सकता है उसके साथ, तो एक निंजा वेपन है, उसको रोप डार्ट बोलते हैं, तो रोप के एंड पे डार्ट होता है और ऐसे करके उसको निंजा फाइट्स अगर आप वो फिल्म में देखते तो उसमें आता है। सो उधर से मुझे आइडिया है कि क्यों ना चोटी को ऐसे यूज़ किया जाए, क्योंकि ये चोटी एक तो एक स्त्री का एक नो प्रतीक होता है, और अगर उसके साथ शक्ति को जोड़ दिया जाए, उसको एक वेपन बना दिया जाए, तो उसका इम्पैक्ट डबल हो जाता है, और फिर वो जो 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 कैरेक्टर प्ले कर रही है श्रद्धा को, उनका भी इम्पैक्ट इससे ज़्यादा, बिकॉज शी ऑलरेडी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो प्रेजेंस, तो अगर ये इसके साथ जोड़ दिया जाए श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के साथ, तो इसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। तो फिर मैंने ये आइडिया बाउंस ऑफ किया और अमर को भी बहुत पसंद आया, एंड नो वी सॉर्ट ऑफ रोल्ड विद इट, और आप देख रहे हैं कितनी तालियां पड़ रही है जब उनकी एंट्री आती है, और तो बहुत खुशी मिलती है जब नो आपका एक आइडिया जब ऐसे अंजाम तक पहुंचता है। यू नो बैक टू बैक आपके हॉरर कॉमेडीज हैं या हॉरर फिल्में हैं जो चल गई, ठीक है, जो चल रही है और बहुत उम्दा तरीके से चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब आप मुंजिया कर रहे थे, स्त्री टू भी आने वाली थी उस टाइम, अनाउंस नहीं हुई थी, ठीक है, तो क्या आपने एंटिसिपेट किया था ये चीज कि भाई सुपर टूपर हिट हो जाएगी, दोनों बैक टू बैक फिल्म, भाई एक का सक्सेस ही नहीं खत्म हुआ, दूसरा डबल सक्सेस कर गई? नहीं, मतलब हमें ये पता था कि ये दोनों फिल्में हैं, इन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, लोगों को पसंद आएगी ये, लोगों को, क्योंकि हमारी एफर्ट वही होती है कि एक मनोरंजक फिल्म बनाए, एंटरटेनिंग फिल्म बनाए, जिसमें लोगों को मज़ा आए, थोड़ा डर लगे, थोड़ी हंसी आए, और कुछ बात भी कह के जाए, एक लव स्टोरी हो, उसमें गाने अच्छे हो, म्यूज़िक अच्छा हो, तो एक नो जो थाली होती है ना, ऐसा पूरा हम परोस देते हैं कि इसमें सब एलिमेंट है। अब लोगों को पसंद आती है, कितनी आती है वो मात्रा का हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो मतलब इतना बिजनेस करेगी कि उतना बिजनेस करेगी, वैसे भी वो नंबर्स तो दूसरी चीज़ हो जाती है, पर मेन जो होता है वो एप्रिसिएशन होता है, प्यार होता है ऑडियंसेस का, तो वो हमें पता था कि एप्रिसिएशन तो इसे मिलेगा, कितनी मात्रा में मिलेगा वो हमें पता नहीं था।
बट सर ये जब आप लिख रहे होते हैं तो कभी कभार क्या होता है, जब राइटर्स लिख रहे होते हैं तो और एक फिल्म चल जाती है या नहीं चलती है, तो कहीं ना कहीं राइटर्स को या डायरेक्टर्स को ऑडियंस का, ऑडियंस के टेस्ट के बारे में ना भनक पड़ जाती है कि ये ऑडियंस का फिलहाल टेस्ट है, ये चल रही है फिल्म, तो क्या वो अंदाजा था आपको? नहीं देखिए, ऑडियंस का टेस्ट जो है ना, ये मतलब ऑडियंस को एक तो कुछ लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आप कितना भी आप इंटेलिजेंट हो जाए, ऑडियंस हमेशा आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और मैंने क्योंकि काफ़ी सालों तक थिएटर किया है, काफ़ी सालों तक मैंने टेलीविज़न किया है, तो मुझे एक जब आप थिएटर करते हैं टेलीविज़न करते हैं तो आपको इमीडिएटली रिस्पांस पता चलता है कि लोगों को इसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थिएटर में एक डायलॉग बोलता है जब किरदार, तब अगर ताली बजती है या अगर लाफ्टर आता है तो आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि इसमें लोगों को मज़ा आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो हमेशा से अच्छी कहानी आप अच्छे तरीके से कहोगे तो लोगों को मज़ा आएगा। टेस्ट ऐसा नहीं है कि वो बदल जाएगा। मुगले आज़म आज भी बनेगी तो भी सुपर हिट होगी। ओके, तो अच्छी कहानी किसी भी दौर में आए, किसी भी टाइम पे आए, अगर मतलब आप ट्रेंड्स की बात कर रही हो तो ट्रेंड्स बदलते रहते हैं कि कभी दो तीन एक्शन फिल्म सक्सेसफुल हो गई तो लोगों को लगता है कि ऑडियंस के टेस्ट में सिर्फ यही है कि उनको एक्शन फिल्म ही पसंद आती है, फिर अचानक से लापता लेडीज जैसी फिल्म आ जाती है या ट्वेल्थ फेल आ जाती है, तो ऐसी फिल्मों में फिर आपको लगता है कि नहीं ऑडियंस का टेस्ट ये हो गया है, फिर अचानक से स्त्री तू आ जाती है। तो यही है कि अच्छी कहानियां हैं जिन्हें लोग अप्रिशिएट करते हैं किसी भी दौर में करते हैं, तो उसमें टेस्ट ऐसा नहीं है कि कुछ बदल रहा है उनका। बिल्कुल, मैं अग्री करूंगी आपकी बात से। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब एक डायरेक्टर काम कर रहा होता है और एक राइटर काम कर रहा होता है साथ में, तो क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट कितना होता है? और मैं स्त्री टू की बात करूंगी, कभी कभार हुआ कि आपको ऐसा हुआ कि यार ये मैंने लिखा था बट ये चेंज हो गया, तो हुआ इसमें अमर कौशिक? नहीं, अमर के साथ मेरा क्या है कि क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा क्रिएटिव कोलैबोरेशन है। तो वो मेरा एक बाउंसिंग बोर्ड भी है जी। और हमेशा ना राइटर को एक ये होता है, रंज रह जाता है कि मैंने जो लिखा था उससे थोड़ा कम हुआ, पर अमर जब डायरेक्ट करता है तो एक मैंने जो लिखा हुआ होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही उसका आउटकम मिलता है। ठीक है, ऊपर से हमारे पास एक्टर्स भी ऐसे हैं जो इतने चैम्पियन हैं, ठीक है, तो वो भी थोड़ा और ऐड करके देते हैं। तो मतलब मान लो कि जो लिखा है वो अगर 10% है तो वो लोग डायरेक्शन में उसको 15% बन जाता है और एक्टिंग के साथ वो 20-25% बन जाता है। तो वो हमेशा उसकी मात्रा अच्छी होती रहती है और अच्छा बनता रहता है। और अमर मेरा कोलैबोरेटर है बिकॉज मैं जितना भी लिखता हूँ सीधा उसके ऊपर डंप कर देता हूँ, फिर वो मेरा बाउंसिंग बोर्ड है एंड यू नो वहाँ से मुझे पता चलता है कि ये चीज़ वर्क हो रही है, ये नहीं वर्क हो रही है, तो वो फिल्टर भी है। अगर वो फिल्टर ना हो तो कुछ और ही बन जाए फिल्म, पर वो है जो प्रॉपर इसको भी स्क्रीन प्ले को भी सही डायरेक्शन में ले जाता है, तो वो सही मायनों में डायरेक्टर है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो इन जनरल कभी कॉन्फ्लिक्ट होती है? नहीं नहीं, कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा होता है, राइटर्स का और डायरेक्टर्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है, पर वहीं से तो सिनर्जी आती है कि आप कॉन्फ्लिक्ट अगर उसका एक पॉइंट है तो आपको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये इसको ऐसा क्यों लग रहा है। ओके, क्योंकि आपको इवेंचुअली जब ऑडियंस के सामने जाएगा या क्या आएगा वो आप में से दोनों को नहीं पता है, तो दोनों को एक दूसरे के यू नो पॉइंट ऑफ व्यू समझ के ही काम करना पड़ता है, और एक एक जो बीच का रास्ता है वो ढूंढ के आगे बढ़ना पड़ता है जिसमें दोनों एग्री करें कि नहीं ये चीज़ सही है और इससे जो हम कहानी कह रहे हैं उसको ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, तो वही है कि एक टेबल टेनिस जैसा मैच है ये दोनों के बीच में। करेक्ट सर, स्त्री टू की अगर मैं बात करूँ, हर एक कैरेक्टर को उतना ही प्यार मिला है जितना कि कोई लीड एक्टर को मिला है फिल्म में। ठीक है, चाहे वो सरकटा कह लीजिए, चाहे फिर रुद्रा कह लीजिए, चाहे फिर बिट्टू कह लीजिए। ठीक है, मैं जानना चाहूंगी जब आप सबके बारे में लिख रहे थे तो क्या आपके पास ये था कि यार इसको मैं लीड एक्टर के तौर पर लिख रहा हूँ या तो मैं इसको यू नो एक साइड सपोर्टिंग रोल के तौर पर लिख रहा हूँ, वैसा कुछ आप सोच कर लिखते? नहीं देखिए, ये क्योंकि अब ये यूनिवर्स बन रहा है तो इसकी अच्छी बात जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अब आप सबकी कहानियों के साथ जस्टिस कर सकते हैं। मैं एज अ राइटर हर किरदार की कहानी के साथ अब जस्टिस कर सकता हूँ, उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उसको जिस दिशा में उसको लोगों को पूरा उसकी उसकी बैक स्टोरी क्या है, उसका पास्ट क्या रहा है, वो उसका फ्यूचर क्या होगा, उसको क्या चाहिए,
क्योंकि मोस्टली फिल्मों में ना वो मिस आउट हो जाता है, क्योंकि फिल्म जो है वो दो सवा दो घंटे की ड्यूरेशन में ही होती है, और मोस्टली जो प्रोटैगनिस्ट होता है आपका नायक, उसके इर्द गिर्द कहानी आपकी घूमती रहती है, तो दूसरे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। पर चूंकि ये एक नो अब यूनिवर्स बन रहा है, तो कैरेक्टर्स को, जैसे अभिषेक बैनर्जी का जो कैरेक्टर है वो भेड़िया में भी है, भेड़िया में पूरी फिल्म में उसको जना बोला जाता है, इसके एंड में पता चलता है कि ये जना जो है वही जेडी बोला जाता है, तो जेडी जो है वही जना है, ठीक है, फिर वो वापस 3-2 में नो री एंट्री करता है, तो नो ऐसे ये सारे किरदारों के साथ हम कोशिश करते हैं कि न्याय हो पाए और उनकी कहानियाँ भी एक्सप्लोर हो, और छोटे से छोटे किरदार के साथ हम वो करने की कोशिश करते हैं, जैसे शमा का कैरेक्टर है जो तमन्ना भाटिया ने प्ले किया है, तो वो सिर्फ एक आइटम नंबर नहीं है, उसकी भी एक कहानी है, उसकी एक रुद्रा भैया के साथ एक रिलेशनशिप रही है, वो भी हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में एक्सप्लोर करने की, उसकी हिंट हमने दी है कि एक 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 वो लव स्टोरी है इन दोनों के बीच में, और एक कहीं पे वो लोग बिछड़े हैं, वो क्यों बिछड़े होंगे और अभी जाके क्यों मिले हैं, अभी कैसे वो लोग जुड़े हुए हैं, या फिर चिट्टी का जो कैरेक्टर है जो आन्या ने प्ले किया है, जो बिट्टू की गर्लफ्रेंड है, उसकी भी कहानी है, तो ये सारे किरदार है, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सबकी कहानियां है, और यही मिलके एक मनोरंजक नो फिल्म बनती है, क्योंकि यूनिवर्स आ रही है, तो अक्षय कुमार लीड एक्टर है इसमें। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अभी वो रिवील नहीं कर पाऊंगा कि कौन लीड एक्टर होगा, कौन लीड विलन होगा, पर सब कैरेक्टर्स के साथ हम जस्टिस करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं क्योंकि वैम्पायर भी आ रही है, और आयुष्मान के साथ आपको कोलैब करने में बहुत मजा आता है, ठीक है सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो उसकी स्टेटस क्या है। वो अभी स्क्रिप्टिंग स्टेज पे, बहुत जल्द उसका 2-3 महीने में शायद चालू हो जाएगा शूटिंग। सर जैसे कि कहते हैं ना, हम अभी रिसेंटली कोई एक इवेंट पे आए थे जहाँ पे सलीम जावेद की जो स्टोरी आई है एंग्री वुमन, वो कह रहे थे तब के टाइम पे ना क्रेडिट्स नहीं मिलता था, ठीक है, तो क्रेडिट्स के लिए लड़ना पड़ता था, क्योंकि जो कैमरा के सामने रहते हैं तो उनको क्रेडिट्स मिल जाती है, बट जो कैमरा के पीछे रहते हैं आप जैसे टैलेंटेड लोग, क्रिएटिव लोग, उनको क्रेडिट्स नहीं मिलती है, तो अब क्या वो चीजें चेंज हुई हैं पहले से? हाँ, अब काफी तौर पर तो चेंज हो चुकी है, और अच्छे लोग तो हमेशा से क्रेडिट देते आए हैं, ठीक है, कि मैं तो जिनके साथ मैंने कलाबरेट किया है या जो मेरे प्रोड्यूसर्स रहे हैं वो वहाँ पे, मुझे तो कभी ये प्रॉब्लम फेस मैंने नहीं किया है, पर मैंने देखा है अभी भी काफ़ी सारे यंग राइटर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, काफ़ी जगहों पे उनकी क्रेडिट इनो कोई और ले लेता है, या पैसे उनको पूरे नहीं मिलते, तो वो सब चीज़ें है अभी भी, पर काफ़ी हद तक वो चेंज हो गई है। पर जहाँ तक ये फाइनेंसिस का मसला है ना, कि जो पेमेंट्स उनको मिलने चाहिए, वो मुझे लगता है अभी भी काफ़ी अंडर पेड है राइटर्स। राइटर्स की जैसे पेमेंट बजेगी, वो जैसे नो एम्पावर होंगे, जैसे इन्होंने तो खुद अपने आप को एम्पावर किया था सलीम जावेद ने, पर अब वो जिस दर्जे के इनो राइटर्स थे, ठीक है, वो वही कर सकते थे, ठीक है, वो हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ आज के दौर में कोई कर सकता है, कि आज के दौर में उन्होंने उस टाइम पे अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए ज़्यादा पेमेंट मांगी थी, अब आज के दौर में शाहरुख खान से ज़्यादा कोई राइटर मांग सकता है ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि नो नियर फ्यूचर में कभी ऐसा हो पाएगा, या सलमान खान सर से ज़्यादा कोई मांग ले, पर वही है कि उस दर्जे का काम भी आपको, मतलब उसी डॉक्यूमेंट्री में आमिर खान जी ने कहा है कि वो अगर कोई उस दर्जे का काम करेगा तो वो डिमांड कर सकता है, तो राइटर्स को भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा काम करके दिखाना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू हो, आपको लोग फोरफ्रंट पे रखे, आपके नाम पे लोग फिल्म देखने आए, और वो अगर आप कर दिखाते हैं तो डेफिनेटली यू नो फ्यूचर में उनका दर्जा और ऊपर आ जाएगा। पर जो एंट्री लेवल पे है, मैं काफ़ी लोगों को अभी भी देखता हूँ कि उनके साथ ये सब चीज़ें होती है कि नो क्रेडिट नहीं मिलती या पैसे पूरे नहीं मिलते, तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए, पर एम्पावर तो ज़्यादा हो ही रहे हैं राइटर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बट उस टाइम पे क्या था सर, उनको अपने क्रेडिट के लिए लड़नी पड़ी थी। Correct. उन्होंने लिटरली हर जगह अपने पोस्टर्स छापे थे। ये तो हमें बाद में पता चला जब हमने सीरीज देखी। तो वो उनका जो स्टाइल था सर, आई थिंक दैट वाज वेरी गुड स्टाइल, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है हर एक इंसान अपना डिजर्व करता है क्रेडिट अगर उसने काम किया है, चाहे वो राइटर हो चाहे वो टेक्नीशियन। डिजर्व तो सभी करते हैं, पर वही है कि मांगने का जो जिगरा है ना,
वो आप वो डॉक्यूमेंट्री देखे या मैंने तो मैं तो मिला हुआ हूँ सलीम खान सर से बहुत क्लोजली, बहुत बार मैंने बातें की है और वो आप उनको मिलते हैं तो आप खुद एंट्री छो के बाहर निकलते हैं कि आप एक अच्छे इंसान एक अच्छे राइटर बन के बाहर निकलते हैं। मुझे आज तक इंडस्ट्री में कोई दूसरा राइटर ऐसा नहीं मिला जिनके साथ मैंने दो घंटे बात की और मुझे ऐसा लगा हो कि यार ये इंटरेक्शन से ना मैं बेटर राइटर बन गया हूँ। ठीक है, वो मैंने उनके साथ जब बात की थी तब मुझे लगा था। तो वही है कि वो उस दर्जे के राइटर्स थे ना कि जिनको मैच करना ही बहुत डिफिकल्ट है। वो उनका एक एरोगेंस भी था, जो क्रिएटिव ईगो होता है वो भी उनका बहुत बड़ा था और उनका काम भी ऐसा था कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते आज की तारीख में कि 25 फिल्मों में से 23 फिल्में किसी की ब्लॉकबस्टर सुपरहिट हो। ठीक है, तो अगर आप उस दर्जे का काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान, वो पावर भी मिलेगी कि आप जाके किसी भी पोस्टर पे अपना नाम लिखते। करेक्ट सर, बिल्कुल सही बोला आपने। सर जब आप अपनी स्टोरीज देख रहे होते हैं फिल्म में, फिल्म चल रही होती है तो ऐसा फील होता है एक बार कि यार ये तो मैंने लिखा है, यार ये तो मैंने लिखा है, उफ क्या लिख दिया है। नहीं नहीं, ये तो मैंने लिखा है वाला तो नहीं होता, पर काश मैं ऐसा लिख पाता, ऐसा बहुत होता है। काफी सारी फिल्में आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यार क्या बात है, कितना अच्छा लिखा है, अब मैं भी काश यू नो मैंने भी ये सोचा होता, मैंने क्यों नहीं सोचा ऐसा। तो ऐसा बहुत बार होता है और कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर या हेल्पलेस भी फील होता है कि यार हम लोग ऐसी कहानियाँ क्यों नहीं बोल पाते। जैसे अभी मैंने ओपनहाइमर देखी थी तब मुझे वो वाली फीलिंग आई थी कि हमारे साइंटिस्ट के लिए हम लोग ऐसी कहानियाँ या ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना पाते। Correct. कि हमारे पास भी बहुत बड़े बड़े रॉकेट बॉयज बनी है पर वो सीरीज है, साइंटिस्ट के ऊपर कौन सी हमारी फिल्म बनी है जो इतनी पावरफुल हो जो ओपनहाइमर जैसे बनी है, या कौन सी साईफाई फिल्म अपने यहाँ बनी है इंटरस्टेलर जैसी। तो ऐसी कहानियाँ हम क्यों नहीं बोल पाते, तो वो कहीं ना कहीं वो देख के लगता है कि यार अभी भी बहुत कुछ सीखना है, अभी भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है और साबित करके दिखाना है कि ये हमारी इंडस्ट्री भी कर सकती है। बट सर आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हो कि यार ये ही ट्रेंड चल रहा है, या कुछ ऐसा है आपके क्रिएटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग कि यार मुझे इस तरीके की स्टोरी लिखनी है अभी? नहीं देखिए, इसमें अपडेट और यू नो वो करने की बात नहीं होती। हमेशा राइटिंग जो है ना वो रिफ्लेक्शन होती है रीडिंग का। आप जितना रीड करते हैं ना वहाँ से आपकी राइटिंग आती है, तो आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहना पड़ता है। नॉवेल्स, ग्राफिक नॉवेल्स, करंट ट्रेड स्टोरीज, रियल स्टोरीज, फिक्शन, नॉन फिक्शन, आप पढ़ते रहिए, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ते रहिए, फिक्शन, पॉट बॉयलर्स, यू नो पल्प नॉवेल्स, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप पढ़ते रहिए, हिस्ट्री आप पढ़ते रहिए, वहाँ पे बहुत सारी आपको कहानियाँ मिलेगी। अभी मैं पढ़ रहा था पूरा 18th सेंचुरी की हिस्ट्री, जो यू नो सिख का साम्राज्य जो था उसकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, मुगल्स की हिस्ट्री, या फिर जो यू नो अफगानिस्तान की एक हिस्ट्री है वो एक अलग हिस्ट्री है। तो उसमें जो कहानियाँ है वो इतनी फैसिनेटिंग है। फिर हमारे स्क्रिप्चर्स में जो कहानियाँ हैं, हमारे शास्त्रों में कहानियाँ हैं, वो तो मैं हर फिल्म में यूज़ करता हूँ। कि जैसे बाला में मैंने कुब्जा की कहानी यूज़ की थी, भेड़िया में भी महाभारत का रेफरेंस है, इसमें ये सब फोकलोर्स पे बेस है, मुंजा और ये, तो वहाँ भी इतनी सारी कहानियाँ हैं। उपनिषद में इतनी कहानियाँ हैं, महाभारत में इतनी सारी कहानियाँ हैं, रामायण में हर कैरेक्टर की नो हर पात्र की अपनी कहानियाँ हैं, कि घटोत्कच की एक अपनी कहानी है, भीम की अपनी कहानी है, तो हर अपने स्क्रिप्चर में बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो वो कहानियाँ भी है। तो वही है कि आप जितनी कहानियाँ पढ़ेंगे उतनी आप अपडेट होते रहेंगे। करंट ट्रेंड्स में ये चल रहा है तो ये मैं कर लूँ या पढ़ लूँ, उससे अपडेट हो जाऊँ, वो जो है वो एक मायोपिक थिंकिंग है। पर आपको सही मायनों में अच्छा राइटर बनना है तो आपको हर तरह की कहानियाँ पढ़ते रहना पड़ता है। सर इससे पहले कई ऐसी फिल्में भी थी जो फ्लॉप हुई थी, ठीक है, तो आप ये मानते हो कि कहीं ना कहीं राइटर्स भी लैक कर रहे थे लिखने में स्टोरी? जी ज़रूर, जब भी मेरी तो कोई भी फिल्म अगर मॉडरेट हिट होती है या नो फ्लॉप होती है या इतना बिजनेस नहीं करती, सबसे पहला दोष मैं अपने आप को देता हूँ, क्योंकि जब वो फिल्म कनेक्ट नहीं करती तो सबसे पहला दोष राइटर का ही होता है। ओके, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा होता है जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं होता। दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग जो है ये काफ़ी सारी विधाओं का संगम,
जैसे हम बोलते हैं कि इट्स अ आर्ट फॉर्म वेयर सो मेनी आर्ट फॉर्म्स आर नो वर्किंग टुगेदर. आर्ट डायरेक्शन है, साउंड डिपार्टमेंट है, VFX है, एक्टर्स है, डायरेक्टर है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, म्यूजिक है, गाने हैं, कोरियोग्राफी है, तो ये सारी चीज़ें मिलके अगर सब ने अच्छा परफॉर्म किया तब अच्छी फिल्म बनती है. तो वो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ मिरेकल कि जब सब ने सबकी जो एनर्जीज है वो साथ में आती है और फिल्म को अच्छा बना दिए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिरेकल. कहीं पे कुछ कमी रह गई तो फिर शायद फिल्म वो इतनी वर्क ना करे. तो इसलिए वो पिन पॉइंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है कि इस वजह से नहीं चली या उस वजह से नहीं चली. कभी कभी मैक्रो फैक्टर्स भी होते हैं कि दूसरी फिल्म बहुत अच्छा कर रही है तो इसलिए लोग आपकी फिल्म देखने नहीं जा रहे, या फिर कोई ऐसे टाइम पे आ गई कि जैसे कोविड वाला टाइम था कि थिएटर्स अभी अभी खुल रहे थे, अभी इतने लोग फिल्में देखने जा नहीं रहे, या फिर कोई ऐसा टाइम हो कि कुछ ऐसा घटना हो गई कि अभी मान लो कि गुजरात में बहुत बारिश हो रही है तो इसलिए वहाँ का जो कलेक्शन है वो कम हो जाता है इमीडिएटली. तो ऐसे मैक्रो फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, पर ओवरऑल आप अगर देखें कि फिल्में ना चलने का जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट ही होती है. सर, सोशल मीडिया पर एक ओपिनियन चल रहा था कुछ दिन पहले, दो दिन तीन दिन पहले ही चल रहा था, दो तरफ में लोग बढ़ चुके थे, जहाँ पे एक लोग ये कह रहे थे कि श्रद्धा कपूर ने बहुत अच्छा काम किया, एक लोग ये कह रहे थे कि नहीं राजकुमार राव ने ज़्यादा अच्छा काम किया. तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि फिल्म जो है वो मतलब ये कुछ जो ट्विटर ट्रोल्स है या फैन क्लब्स होते हैं उनको फिल्में कैसे बनती है उसका आइडिया नहीं होता, क्योंकि ये एक्टर्स तो वो होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं. सबसे पहले प्रोड्यूसर से शुरू होता है जिसका एक एक विजन है उसमें, हमारे तो प्रोड्यूसर का नाम ही विजन है, तो वहाँ से लेके डायरेक्टर है, राइटर है, आर्ट डायरेक्टर है, प्रोडक्शन डिजाइनर है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो सब लोग उसमें सालों तक मेहनत करते हैं, ठीक है. और सेट के ऊपर भी 200 लोग हैं जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स है, सिनेमेटोग्राफर है, उनके असिस्टेंट्स है, लाइट डिपार्टमेंट है, तो ये सारे लोग मिलके एक फिल्म बनाते हैं. तो इसलिए ये कुछ फैन क्लब्स होते हैं जो ये ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता फिल्म एनीवेज ऑडियंस तो फाइनल प्रोडक्ट देखती है. तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं है कि ये किसने इसमें क्या क्या किया है, ओके आप वो डिश एंजॉय करते हैं तो ऑडियंस सिर्फ फिल्म एंजॉय कर रही है. पर अगर आप ये डिसाइड करने की कोशिश करें कि किसकी वजह से फिल्म होती, वो बहुत डिफिकल्ट है. सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपने कैरेक्टर्स को डेवलप कैसे करते हैं? जब आप लिख रहे होते हैं किसी के बारे में तो क्या आपको अंदाज़ा रहता है कि मुझे इस कैरेक्टर के बारे में या पर्टिकुलर एक एक्टर के बारे में ही लिखना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको आयुष्मान के बारे में लिखना है तो आपको पता है कि अब मेरे को आयुष्मान के लिए कैसे 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 चीज़ें लिखनी है. अब मुझे ये पता है कि अक्षय कुमार है जैसे कैमियो में आए थे और कैमियो में आकर उन्होंने छा गए, तो आपको आप क्योंकि उनके लिए पर्टिकुलरली लिख चुके थे कि मुझे अक्षय के लिए लिखना है, तो क्या ये पहले से आपको पता होता है कि नहीं? मोस्टली तो नहीं होता कि इसमें कौन कास्ट होगा, क्योंकि स्क्रिप्टिंग सबसे पहले आती है, कास्टिंग बाद में होती है. पर जैसे स्त्री 2 में तो पता ही था कि सेम कहानी आगे लेके जा रहे हैं तो पात्र सारे पता थे और कौन एक्टर कर रहे हैं वो भी पता थे. नई फिल्म होती है तो पता नहीं होता कि कौन एक्टर इसे करने वाले, बट तब आपके दिमाग में एक कोई एक फेस होता है. वो कोई भी हो सकता है, वो कोई हॉलीवुड का एक्टर भी हो सकता है, कोई ऐसे एक्टर भी हो सकते हैं जो बहुत सालों पहले थे, अभी हयात भी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं. और कभी कभी संयोग से वो भी हो सकते हैं जो करने वाले हैं एक्चुअली, जो आपकी विश लिस्ट में है और उनको भी स्क्रिप्ट पसंद आ जाए वो कर ले. तो ये हर तरीके से वर्क करता है, पर जिसमें पता होता है कि यही करने वाले हैं उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक्टर की स्टाइल ये है, ये ऐसे बोलते हैं और इसके लिए मैं ऐसी लाइन लिखूंगा तो वो ज़्यादा वर्क करेगी, तो वो तो हमेशा ज़्यादा ही बेटर होता है. आई थिंक वो इजी भी हो जाता है. करेक्ट, वो इजी हो जाता है. जैसे जो कैमियो अक्षय सर ने किया है वो तो हमें पता नहीं था कि वो करेंगे, तो वो लिखा तो हुआ था और वो काफ़ी फनी था, स्क्रिप्ट में सबको पसंद था. हमें पता नहीं था कौन करेगा, मतलब हम चाहते थे कि कोई अच्छे एक्टर ही करे, पर अमर को आइडिया आया कि अक्षय सर को सुनाते, उन्होंने सुनाया, अक्षय सर को बहुत पसंद आया एंड ही डिड इट एंड यू कैन सी आई मीन एवरीवन लव्स दैट कैमियो. Absolutely, we loved it. Love the cameo, and we are waiting for him to next lead that thing universe वाला चीज़. But sir, मैं आपसे और एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब आप कोई character develop कर रहे होते हैं, ठीक है, तो
अगर आपको पता होता है कि एक्टर है तो उनको नरेट करते हैं आप जाकर कि सुनो मैंने आपके लिए ऐसे ऐसे लिखा है और फिर वो इम्प्रोवाइज करते हैं उस सारी चीज़ों को। नहीं, एक्टर्स तो काफ़ी इम्प्रोवाइज करते हैं, जैसे राजकुमार के साथ तो मैं सालों से कर रहा हूँ काम। हाँ। मतलब मेड इन चाइना मैंने लिखी थी, तब से मैंने उनका काम देखा है, बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं वो। मतलब हर एक सीन को वो अलग अलग 10 तरीके से कर सकते, इतने पावरफुल एक्टर है वो। अक्षय सर ने कितना इसमें इम्प्रोवाइज किया है, काफ़ी सारे डायलॉग ऐसे हैं जो जो मतलब सीन में नहीं थे उन्होंने नो इम्प्रोवाइज करके, क्योंकि वो जब आप प्ले कर रहे होते हो ना कैरेक्टर, तब वो आपको ऑटोमेटिकली, काफ़ी एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको वो सी चीज़ें सूझती है ऑन द फ्लाई एंड दे इम्प्रोवाइज, और उससे बेटर ही होता है सीन। अभिषेक बैनर्जी ऐसे एक्टर है जो बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं और बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी लाइनें भी। हाँ। उसकी क्रेडिट मुझे मिलती है पर वो यू नो इट कम्स फ्रॉम हिम। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं और यू नो फिल्म में काफ़ी ऐड करते हैं, तो उससे काफ़ी फायदा भी होता है फिल्म को। अपार बहुत अच्छा नो इम्प्रोवाइज करते हैं, कि जैसे सॉफ्ट चिटी अलग अलग तरीके से गाना है बिकॉज ही इज अ सिंगर, ओके, तो ही हैज संग इट इन डिफरेंट वेज, कि एक थोड़ा क्लासिकल तरीके से गा रहा है, एक यू नो जैसे बच्चों का एक वो होता है लोरी होती है ऐसे गा रहे हैं। सो आई मीन इट हेल्प्स व्हेन यू नो एक्टर्स इम्प्रोवाइज एंड इट एड्स टू द फिल्म। वो श्री टू में आपको मेनली बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। हमने लाइव भी सुना उनसे अपार से, जहाँ पे ही वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट यू, ही वाज गिविंग क्रेडिट्स टू यू अबाउट योर राइटिंग स्टाइल्स एंड ऑल। बट मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी, कोई ऐसे प्रोजेक्ट है आपका जो आपको आपके फेवरेट है, आप कहते हो कि यार ये मैंने बहुत अच्छा काम किया है? नहीं नहीं, ऐसे तो काफ़ी सारे हैं, जैसे स्त्री टू में ही मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा काम किया है, पर वही है कि आपको एक बार यू नो जो चीज़ जो आप कर चुके हैं उससे थोड़ा फिर आगे निकल जाना पड़ता है, उसको भूल जाना पड़ता है, क्योंकि आप अगर वो बैगेज लेके चलते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो सब आ गया है, ये मैंने लिख दिया है, ये तो हिट हो गया है, तो मतलब दूसरी बार आपको ये समझना पड़ता है कि उस टाइम पर आपने जो मेहनत की थी वो सक्सेसफुल हुई है एक्चुअली, तो वो अगर आप दूसरी बार उससे कम मेहनत करेंगे तो वो शायद सक्सेसफुल ना भी हो, ओके। तो और जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कि एक्टर्स कौन है, वो भी कैसा इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, डायरेक्टर है, ये सबकी एनर्जीज मिली है तब जाके ये आपको नो फाइनल फिल्म इतनी मनोरंजक लग रही है। कहीं एक दो उसकी मेहनत कम हो गई, या कहीं एक दो उसका डिपार्टमेंट का काम जो था वो सिंक में नहीं आया, तो भी फिल्म इतनी मनोरंजक नहीं बन सकती, और आपकी भी मेहनत कम हो गई तो भी रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा। तो वही है कि आपको जो सक्सेस मिली है उसको आप एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए, फिर आप थोड़ा थोड़ा उसको भूल के फिर से उस पॉइंट जीरो से चालू कीजिए, नई फिल्म नया सफ़र है, इतनी मेहनत करनी और इतनी मनोरंजक उसको बनाने की कोशिश करनी। बिल्कुल सर, कोई डायरेक्टर या एक्टर है जिनके साथ आप कोलैब करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सबसे कलाब करना चाहता हूँ, हमने तो कहा इतना बट किया एक बहुत इच्छा है आपकी। ये देखिए, सबकी इच्छा होती है शाहरुख खान सर के साथ कोलैबोरेशन करें, मुझे कमल हसन सर के साथ कोलैबोरेशन करने की इच्छा है, फहद फासिल के साथ कोलैबोरेट करने की इच्छा है, राजकुमार हिरानी के साथ कोलैबोरेट करने की इच्छा है, काफ़ी सारे लोगों के साथ। मतलब वो तो हम तो इनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं, देख के फिल्म इंडस्ट्री में आए, तो ऑब्वियसली होते। बच्चन साहब के साथ मैंने काम तो किया है तारक मेहता में, पर एक फिल्म करने की तो डेफिनेटली हर यू नो जो भी बंदा फिल्म के साथ जुड़ा हुआ है, राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, सबको सबका सपना होता है कि बच्चन साहब के साथ भी करे काम, तो वो तो ऑब्वियसली सबका होता है, और मतलब पूरी इंडस्ट्री है, बहुत लोगों के साथ हमने काम नहीं किया है, तो ऑब्वियसली वी वुड लव टू कोलैबोरेट विद ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। राइट, सो कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके जो आ रहे हैं? नहीं, अभी नेक्स्ट तो यही है, इसके ऊपर ही काम चल रहा है, वैम्पायर वाली जो फिल्म है, ओके, फिर देखते हैं आगे, यूनिवर्स भी बढ़ाना है और यू नो देर आर अदर फिल्म्स प्लान्ड फॉर दैट, तो जो कहानियां है वो कैसे घड़ी जाएगी, कैसे इनको अंदर अंदर मिलाया जाएगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। आई होप आपकी लिखी हुई सारी फिल्में सुपर डुपर हिट होते रहे। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली कॉन्वर्सेशन विद यू।